good morning students today i'm going to cover the chapter number 6 that is soil erosion and conservation for revision session of science so let's start what is soil Soil क्या होती है सॉइल कहाँ मिलती है सोइल इज फाउंड इन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं सोइल कहते हैं और इसमें क्या क्या होते हैं रॉक पार्टिकल्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर लाइक जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो होते हैं मिनरल्स कुछ प्रेजेंट होते हैं वाटर होता है और एयर प्रेजेंट होती है सोइल में नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल सॉइल बनती कैसे ऐसा तो है नहीं कि अर्थ में ऐसे ही कहीं से भी सॉयल पैदा हो जा रही है उसको उसका एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे वो बनती है जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं वेदरिंग का प्रोसेस कहते हैं और ये प्रोसेस होता क्या है जो बड़ी बड़ी हमारी रॉक्स होती हैं उसकी सरफेस पे जब अर्थ की सॉरी सन की जो हीट पड़ती है तो वो उससे गर्म होता है कुछ टाइम जब हीट पड़ी तो वो गर्म होता है फिर नेक्स्ट टाइम जब कभी बारिश होती है ठंडी का मौसम होता है तो उस टाइम पे उसके ऊपर स्नो भी गिरती है और बारिश के टाइम पे पानी भी गिरता है तो वो ठंडा होता है और यही ठंडा गर्म ठंडा जो टेम्परेचर चेंज होता है ये बार बार जब अर्थ रॉक पे पड़ता है तो इससे क्या होता है रॉक वीक हो जाती है और यही वीक होने की वजह से क्या होता है रॉक में कुछ क्रैक्स आ जाते हैं और क्रैक्स में क्या होता है जब प्रॉपर कुछ कंडीशंस हो जाती मिल जाती हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए तो छोटे छोटे प्लांट्स भी हो जाते हैं उनकी रूट्स भी हो जाती है उसमें जिसकी वजह से वो रॉक और क्या कह और ज़्यादा वीक होती जाती है और उसके वो छोटे छोटे पीसेज में टूटने लगती है और वही पीसेस छोटे छोटे टूट के जब नीचे अर्थ पे आ जाते हैं अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं एक लेयर बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं हम सोयल कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं वेदरिंग कहते हैं और इस प्रोसेस को ऐसा नहीं कि ये दो दिन में हो जाते हैं इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ये प्रोसेस को कंप्लीट होने में ये एक लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है स्लो uh, है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लॉन्ग है क्योंकि स्लो है क्योंकि ये धीरे धीरे होता है ये ठंडा गर्म ठंडा गर्म थोड़ा सा टाइम लेता है ये होने में उसके बाद लॉन्ग है क्योंकि ये थाउजेंड ऑफ़ ईयर लेते हैं इनको कंप्लीट होने में और कंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि इसमें कभी कुछ रुकता नहीं है कभी ठंडा हुआ गर्म हुआ ठंडा हुआ गर्म हुआ ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है नेक्स्ट सोइल प्रोफाइल क्या होता है सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं जो सॉइल की सारी लेयर्स हैं वो मिलके क्या बनाती हैं सॉइल प्रोफाइल बनाती हैं और सॉइल की कितनी लेयर्स हैं सॉइल की थ्री लेयर्स हैं टॉप सॉइल सब सॉइल और बेड bed, रॉक और यही मिलके क्या बनाती हैं सॉइल प्रोफाइल बनाती हैं और टॉप सॉइल क्या होती है जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की उसको हम कहते हैं सोइल प्रोफाइल कहते हैं और इसी में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं इसमें जो सैंड पार्टिकल क्ले पार्टिकल ह्यूमस ये सब होता है बहुत आ, अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये बहुत ही ह्यूमस प्रेजेंट होता है इसलिए ये फर्टाइल होती हैं और जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए बहुत सफिशियंट बहुत आ, एक्ूरेट मानी जाती है नेक्स्ट सब सॉइल क्या होता है जो टॉप सॉइल के बाद की जो लेयर होती है उसको सब सॉइल कहते हैं जहाँ तक हमारे प्लांट की रूट पहुँचती है और बेड रॉक क्या होता है बेड रॉक्स में क्या होता है उसमें रॉक uh, के बड़े बड़े पीसेस होते हैं जो कि अर्थ के काफ़ी अंदर होते हैं नेक्स्ट सोयल इरोजन वॉट इज सॉयल इरोजन द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल ड्यू टू सम रीज़न्स लाइक विंड रिवर वाटर रेन और डिफॉरेस्टेशन कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमारी जो सबसे ऊपर वाली सॉइल की जो लेयर है उसका रिमूवल हो उसी को हम क्या कहते हैं सॉइल एरोज़न कहते हैं नेक्स्ट कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन कॉजेज क्या होते हैं रनिंग वाटर जैसे कि आ, कहीं पे आ, स्ट्रॉम सॉरी फ्लड आया हो तो उसके साथ जो सॉइल होती है वो बह के चली जाती है और कहीं पानी का ओवरफ्लो हो रहा है किसी भी रीज़न की वजह से तब आ, जो फर्टाइल टॉप सॉइल होती है वो साथ में बह के चली जाती है तो ये रनिंग वाटर क्या करता है आ, ये एक रीज़न है सॉइल इरोज़न का नेक्स्ट विंड जैसे आधी तूफान आता है स्ट्रॉम आता है तो वो भी अपने साथ जो टॉप सॉइल होती है उसको उड़ा के ले जाता है एक जो रीज़न है आज के टाइम में बहुत आ, बहुत डेंजरस रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई हैं जो कि सॉइल इरोज़न के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है लाइक डिफॉरेस्टेशन इंसान आज के टाइम में अपने काम के या अपने फुलफिलमेंट के अपनी नीड के फुलफिलमेंट के लिए क्या करता है फॉरेस्ट को काटता है इंडस्ट्रीज लगाने के लिए और भी कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करता है फॉरेस्ट को काटता है जिसकी वजह से सॉइल सो, की जो सॉइल जो बाइंड होती है ट्रीज़ की रूट से वो जब ट्रीज़ कट जाते हैं तो वो फ्री हो जाती है मूवमेंट के लिए उसे कुछ भी बाइंडर जो रूट बाइंडर का, का काम करती हैं वो रूट्स हट जाती हैं जिससे कि सॉइल इरोजन हो जाता है नेक्स्ट ओवर ग्रेजिंग जो जिनके घर में एनिमल्स हैं वो अपने जानवरों को ऐसे ही छोड़ देते हैं किसी भी एरिया पे ग्रेस करने के लिए चरने के लिए और वो जब बहुत ज़्यादा वो चर लेते हैं तो वहाँ की भी क्या होती है जो, जो ग्रास होती है वहाँ की रूट्स हटने लगती है जिससे सोइल इरोजन होता है ल साइड्स uh, uh, hills, uh, ये क्या होता है फ्लाइिंग ऑफ हिल साइड्स में क्या होता है लोग क्या कहते हैं हिली एरिया में क्या होता है लोग बेयर छोड़ देते हैं मतलब खाली ज़मीन छोड़ देते हैं वहाँ पर कुछ घास भी नहीं लगाते कुछ नहीं लगाते जिससे वहाँ की भी जो फर्टाइल ट्रॉप सॉइल होती है उसका इरोज़न हो जाता है नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन ऑफ सॉइल क्या होता है जो सॉइल इरोजन है उसको किसी भी तरीके से रोकना ही क्या कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन सॉइल इरोजन को रोकना ही क्या कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल जिसके अलग अलग वेज हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं लाइक like, जैसे डीफॉरेस्टेशन एक रीज़न है हमारा सॉइल इरोजन होने का वैसे ही ए फॉरेस्टेशन है कि मतलब हम अलग अलग टाइप के जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके हम नए नए प्लांट्स लगाते रहें जिससे कि जो हमारी सॉइल की फर्टैलिटी है और सॉइल जो है वो एक जगह बाइंड होके रह सके इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट फॉरेस्ट मीन्स ट्रीज लगाने चाहिए नेक्स्ट रिफॉरेस्टेशन ये क्या होता है इसमें क्या होता है हम कहीं भी किसी भी वजह से बस हमें प्लांट्स लगाने चाहिए बट रिफॉरेस्टेशन का क्या कंडीशन है कि अगर हमें कोई ज़रूरत है हम किसी वजह से किसी प्लांट को कट कर रहे हैं किसी ट्री का को कट कर रहे हैं तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस प्लांट की जगह पे हम कहीं दूसरी जगह पे उस उतने ट्रीज लगाएं इसको क्या कहते हैं रिफॉरेस्टेशन नेक्स्ट ग्रोइंग प्लांट्स इन फार्मलैंड वो एरिया जहाँ पे हमारा फार्मिंग का काम होता है बट जब सीजन्स नहीं होते हैं तो वहाँ पे उसको बेयर छोड़ दिया जाता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो खाली ज़मीन है उस पर अगर आपको कुछ नहीं उगाना है फार्मिंग नहीं करनी है तो एटलीस्ट उस पर ग्रास उगा दें जिससे कि वहाँ की जो फर्टैलिटी है जो सॉइल इरोजन फर्टैलिटी है सॉइल की वो भी बनी रहे और सॉइल इरोजन ना हो सके नेक्स्ट अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग जानवरों को चरना है उनको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है तो वो चरेंगे बट कोशिश करनी चाहिए कि एक ही जानवर मतलब जो जानवर हैं वो एक ही फील्ड पे ज़्यादा टाइम तक ग्रेज ना करें नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बार्कमेंट जो हमारे जो रिवर बैंक होते हैं मतलब रिवर का किनारा होता है वहाँ पे एम्बार्कमेंट्स बना देना चाहिए कि अगर कभी बहुत ज़्यादा वाटर लेवल रिवर्स में ऊपर हो तो वो साइड के एरिया से सॉइल का इरोज़न ना कर पाए नेक्स्ट स्टेप फार्मिंग और जिसको हम क्या कहते हैं टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं इसमें क्या होना है हिली एरियाज़ में स्टेप्स बना के फार्मिंग करनी चाहिए मींस uh, कि जो अगर यहाँ से पानी बहता है तो क्या करता है अपने साथ ये स्लोप बहुत ज़्यादा है तो ये अपने साथ पानी को बहुत तेज़ी से बहा ले जाता है सॉरी um, uh, मिट्टी को भी साथ में बहा ले जाता है बट अगर इसमें स्टेप्स बना दी गई मीन्स यहाँ से हमने यहाँ पर uh, थोड़ा सा हमारा स्लोप है फिर हमने स्टेप बना दी फिर हमारा स्लोप है फिर स्टेप बना दी तो क्या होगा पानी जब यहाँ से बह के जाएगा तो जब यहाँ पे स्टेप आती है तो स्टेप से इसका फ्लो रुकता है धीरे होता है तो यहाँ पे जो यहाँ से मिट्टी बहके आ रही है वो यहाँ पे रुक जाएगी फिर आगे जो बहेगी वो नीचे वाले स्टेप पे रुक जाएगी इस तरी, तरीके से हमारा सोयल इरोजन नहीं हो पाएगा इसलिए कुछ वेज दिए गए हैं जिससे सॉयल इरोजन को प्रिवेंट किया जाता है और कॉजेज क्या हैं सॉयल इरोजन के वो भी बताए गए हैं ओके क्लास दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर सिक्स थैंक यू क्लास